हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कशफूर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्टन पॉइंट लेबोरेटरीज कंपनी के बारे में कि क्यों ये स्टॉक एक तरह से रॉकेट बन रहा है। इसका फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही बात करने वाले हैं, खास करके कंपनी के बिजनेस अपडेट के बारे में, कंपनी के कैपेक्स के बारे में, और फिलहाल मैनेजमेंट क्या क्या बातचीत कर रहा है और कंपनी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कैपलिन लेबोरेटरी, जो कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरी, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने ये वीडियो कवर किया था, डिटेल फंडामेंटल रिसर्च। आप जाकर के वीडियो डेफिनेटली देखना, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। और मैंने उस टाइम पे कहा था ये स्टॉक 3x जा सकता है और आज ये स्टॉक 933 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये 450 के आसपास, 385 के आसपास मैंने प्रोवाइड किया था, राइट। इसका फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही बात करते हैं। सो वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो इस कंपनी का हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि किस तरह से कंपनी ट्रांसफॉर्म हुआ और उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कैपलिन पॉइंट एक स्मॉल कैप कंपनी है, फिलहाल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डील करता है, ड्रग्स, थेरोपेटिक ये सब मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। सो कंपनी में अगर आप चेंजेस देखोगे, 1990 में ये कंपनी एक तरह से स्टैब्लिश हुआ, 1994 में ये इनका एक तरह से इनका स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ, तो लगभग 1990 से लेकर के 2006 तक ये कंपनी एक तरह से कहो तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर में डील करती थी। उस टाइम पे जो भी मार्केट के अंदर जो भी मेडिसिन चलता था वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, पूरा का पूरा जेनरिक मेडिसिन में कंपनी डील करती थी, या कहीं पे इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स दैट प्लग द मार्केट प्लेस गैप्स, मतलब कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट ये लॉन्च करते थे जहां पे जिसकी जरूरत है, राइट। उस टाइम पे इस कंपनी का नेगेटिव वर्किंग कैपिटल था, टू मेन ज्योग्राफीज में उस टाइम पे कंपनी प्रेजेंट थी और 10 कंट्रीज के अंदर में कंपनी एक्सपोर्ट करती थी, राइट। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका इनका उस टाइम पे काफी था, राइट। सो ये कंपनी 2005 में देख सकते हो स्टार्टेड आउटसोर्सिंग फ्रॉम चाइना। अब ये क्यों किया ये हम आगे बात करेंगे। इन्होंने इनका इंडिया में भी है, इनका हेडक्वार्टर इंडिया में, और साथ साथ में इन्होंने चाइना से भी आउटसोर्स करना चालू किया और वहां से भी एक्सपोर्ट करना चालू किया अक्रॉस द कंट्री। कंपनी उसके बाद 2006 में लैटिन अमेरिका में एंटर किया, जो इनका एक फेवरेट बिजनेस हब बन गया, जो हम आगे देखेंगे, राइट। कंपनी 2014 में इंजेक्टेबल यूनिट्स के अंदर में कैपलिन पॉइंट जो बेसिकली कंपनी इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा फेमस है ये कंपनी, इंजेक्शंस की अगर हम बात करें, राइट। उसके बाद स्टार्टेड फर्स्ट कमर्शियल शिपमेंट टू यूएसए इन 2018। उसके बाद इनको लिक्विड इंजेक्टेबल का जो लाइसेंस यूएसएफडी अप्रूवल 2017 में हो गया था। सो कंपनी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस है, बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल फार्मा कंपनी। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से एक फार्मा कंपनी एक तरह से बन गया, जो कि टेक्नोलॉजी और रिसर्च ड्रिवन कंपनी और मार्केटिंग कंपनी, मतलब कंपनी पूरा का पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा खर्चा करने लगी, कंपनी ग्रोथ पे फोकस करने लगी, राइट। और उस तरह से जेनरिक मेडिसिन या फिर ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन के अंदर में कंपनी डील करने लगी। जेनरिक हो गया, ब्रांडेड जेनरिक्स हो गया, स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स हो गया, इंजेक्टेबल्स, ये चार टाइप के प्रोडक्ट्स है जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए। साथ 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 में कंपनी लॉन्च स्पेशलिटी नीश प्रोडक्ट दैट क्रिएट न्यू मार्केट इन वेरिड थेरेपी सेगमेंट। सो थेरेपी सेगमेंट्स में कंपनी ने एक नीश प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि डायरेक्टली थेरेपी सेगमेंट को कैटर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी ज्यादा फोकस करता है, कंपनी के पास सरप्लस कैश काफी अवेलेबल है, डेट फ्री एक तरह से कंपनी है। कंपनी एक्सटेंडेड रेगुलेटर मार्केट लाइक यूएसए में विद अ प्लान टू अभी के टाइम पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राजील, शॉर्टली यहाँ पे भी प्लानिंग कर रहे हैं कि जहां पे वो रेगुलेटर मार्केट में और अच्छी तरह से एंटर कर सके। फिलहाल का ये अपडेट है जो कंपनी में FY21 में चल रहा है, राइट। उसके बाद कंपनी की अगर हम बात करें जेनरिक और ब्रांडेड जेनरिक्स, तो जेनरिक मेडिसिन की बात करें जहां पे ऑलमोस्ट इनको पहले ये देख लेते हैं कि रेवेन्यू कितना आता है यहाँ से जेनरिक मेडिसिन से। ऑलमोस्ट 75% के आसपास जेनरिक मेडिसिन कॉन्ट्रीब्यूट करता है इनका टोटल रेवेन्यू में। ब्रांडेड जेनरिक्स की बात करें तो 25%, राइट। इनका रेवेन्यू में चैनल पार्टनर्स देखें तो डिस्ट्रीब्यूटर ऑलमोस्ट 60% से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, फार्मेसी सेल्स 20% और टेंडर बिजनेस या इंस्टीट्यूशनल सेल्स की बात करें तो 20% यहां से आता है। इनका जेनरिक मेडिसिन में भी जो सबसे ज्यादा बिजनेस इनको लैटिन अमेरिका से आता है 87% और अफ्रीका से सिर्फ 5% के आसपास। ये कंपनी इंजेक्टेबल और ऑप्थेल्मिक में काफी ज्यादा कंपनी खर्चा कर रही है और अभी के टाइम पे 60% एक्सपोर्ट इंडिया से करती है, 40% एक्सपोर्ट ये चाइना से करती है और यूएसए से इनको सिर्फ 8% के आसपास रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट होता है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पे काफी ज्यादा अभी के टाइम पे कंपनी फोकस कर रही है। कंपनी मोर देन 23 कंट्रीज में अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। और इस साल कंपनी का जो रेवेन्यू था 1085 करोड़ इन FY21 विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर बात करें, जो हम आगे चेक करेंगे।
उसके बाद देखते हैं कंपनी के अंदर में टोटल प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से, जिससे इस कंपनी को एक स्ट्रेंथ मिलता है। ये छोटी कंपनी है, इनके पास 4000 प्लस प्रोडक्ट रजिस्टर्स है, जितने भी है, मतलब जेनरिक, ब्रांडेड जेनरिक, स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स या थेरेपी सेगमेंट में है, ऑलमोस्ट 4000 प्लस प्रोडक्ट इनके रजिस्टर है। 650 प्लस फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, राइट। उसके अंदर में भी ये कंपनी 36 थेरेपेटिक सेगमेंट्स में है, ये चीज आप देख सकते हो। प्रोडक्ट मिक्स कवर ओवर 60% ऑफ WHO एसेंशियल ड्रग लिस्ट, मतलब कंपनी के पास जितना भी ड्रग्स ये मैन्युफैक्चरिंग और रजिस्टर हैं, उसमें से 60% ऐसे ड्रग्स हैं जो WHO ने अप्रूव करके रखा है। मतलब इनकी कंपनी जो भी ड्रग मैन्युफैक्चर करती है, उसमें ओवरऑल 100 ड्रग में से 60 ड्रग्स जो है इनका WHO के क्राइटेरिया को मीट होता है, जो कि एक तरह से डायरेक्टली आप मार्केट में सेल कर सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर दे सकता है, राइट। साथ साथ में ये देख सकते हो 2012 में कंपनी ऑलमोस्ट जो ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन था, जहां से इनका जो प्रोडक्ट मिक्स की बात करें 95% के आसपास था और 5% सिर्फ जेनरिक्स था, वहीं पे 2021 में 25% जेनरिक हो गया और 75% इनका ब्रांडेड जेनरिक हो गया। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि सेलिंग जेनरिक इनटू अ ब्रांडेड जेनरिक्स फॉर बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। सो अभी के टाइम पे जो इनका जेनरिक मेडिसिन था, जो भी ड्रग्स था, अब वो ब्रांडेड जेनरिक ड्रग्स के अंदर में एक तरह से कंसिडर कर रहे हैं, जिससे वजह से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। अब ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेचती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल हो गया, इंजेक्शन हो गया, ऑप्थेल्मिक हो गया, लिक्विड ओरल्स हो गया, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स हो गया, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, पाउडर फॉर इंजेक्ट, ये सारा का सारा आप देख सकते हो। ये पूरा का पूरा एक तरह से दवाई है जो ये प्रोडक्ट्स मिक्स है, जो ये पूरे कैटेगरीज के अंदर में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बाद कंपनी का अगर हम प्लांट की बात करें, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, मैंने जैसे कहा कि 60% इन ये एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, 40% ये एक्सपोर्ट करते हैं चाइना से। इनका 40% जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, 60% जो प्रोडक्ट्स आर आउटसोर्स फ्रॉम द क्वालिटी कंसाइज पार्टनर इन इंडिया एंड चाइना, दोनों का मिला करके, राइट। यहाँ पे ये कंपनी ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है, यहाँ पे देख सकते हो कि कैपलिन स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉर बैलेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्सिंग मेक्स इट पॉसिबल टू बी अ लीन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज डी रिस्किंग अगेंस्ट द कॉस्ट एस्केलेशन, करेंसी फ्लक्चुएशन एंड अदर हेडविंड्स। सो यहाँ पे कंपनी, सिंपल टर्म में कहूं, सो कंपनी आउटसोर्स करती है चाइना से, जहां पे उनका अच्छा खासा पार्टनरशिप अवेलेबल है। मतलब इनकेस अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर इंडिया में इंक्रीज होता है, जिससे दवाई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सो इनके कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। और उस टाइम में अगर चाइना में रॉ मटेरियल कॉस्ट कम है, तो वहां से वो आउटसोर्स करके, मतलब वहीं से डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूएसए, जहां पे भी इनका बिजनेस अवेलेबल है, सो दैट कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और मार्जिन हमेशा बरकरार रहे, जो हम आगे देखेंगे। ये काफी बेस्ट स्ट्रैटेजी कंपनी का। और जब चाइना में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हो जाता है, जिससे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को फर्क पड़ सकता है, जैसे करेंसी फ्लक्चुएट, ये सब भी हो सकता है, सो कंपनी इंडिया से एक तरह से एक्सपोर्ट करती है ज्यादा, सो दैट उनका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कॉन्स्टेंट रहे। ये चीज आपको नोटिस करना है, राइट। इनके पास सीपी प्लांट वन, कैपलिन पॉइंट प्लांट वन की बात करें, तो आप देख सकते हो जेनरिक और ब्रांडेड जेनरिक्स के अंदर में ये क्या क्या इनका जो है, जो कि यहाँ पे पुद्दुचेरी में दिखा रहा है, इनके पास लाइसेंस भी है और लिक्विड ओरल, कैप्सूल, टैबलेट, लिक्विड इंजेक्शन, ये सारा का सारा ये सीपी वन प्लांट वन में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और दूसरा सीपी फोर प्लांट, कैपलिन स्टरलाइट, जो इनका रिसेंटली इन्होंने एक कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है स्टरलाइट, कैपलिन स्टरलाइट, जो हम आगे बात करेंगे, जहां पे वायल्स हो गया, लिफ्लोजिल वायल्स हो गया, ऑप्थेल्मिक हो गया, प्रीमिक्स बैग्स हो गया, ये सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जहां इनको USFDA और ये सब भी अप्रूव है, जो कि चेन्नई में बेस्ड है। इनका ये एनुअल कैपेसिटी दिखाता है कि कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं या कर रहे हैं अभी के टाइम पे, 1500 मिलियन के आसपास टैबलेट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पूरे साल में, 400 मिलियन कैप्सूल्स है, 12 मिलियन प्री मिक्स बैग्स है, लिक्विड इंजेक्शन 20 मिलियन के आसपास है, राइट। तो ये सारा का सारा इनका एक तरह से तो मेट्रिक शो करता है कि कंपनी की कैपेसिटी कितनी है। सो छोटी कंपनी और कैपेसिटी काफी बेहतर है, लेकिन अब ये कंपनी ग्रो कर रही है, राइट। ये सारा का सारा नया अपडेट है, जो कि प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं था। उसके बाद कंपनी के रिसर्च डेवलपमेंट की बारे में बात करें, ये कंपनी इंडिया में जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉरी जितनी भी फार्मा कंपनीज है, जो ओवरऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करती है, ये कंपनी सबसे ज्यादा खर्चा करती है। सो इनके पास टोटल 5 डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कंपनी कैपलिन हैज 5 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, 3 इन DSR अप्रूव एंड 2 अंडर अप्रूवल। अभी के टाइम पे 3 अप्रूव हो चुके हैं, 2 अंडर अप्रूवल चल रहा है, लेकिन फिर भी वहां पे काम
कराते हैं, राइट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक टाइम पे ये कंपनी सिर्फ 2 करोड़ के आसपास इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस था, वहीं 2020 में ये 85 करोड़ के आसपास पहुंच गया, राइट। ये छोटी सी कंपनी इतना ज्यादा अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्चा कर रहा है, और इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें परसेंट मार्जिन में तो ऑलमोस्ट 6%, 2021 में ये रिड्यूस हो गया 63 करोड़ के आसपास, क्योंकि क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इतना ज्यादा खर्चा कर रही है, तो आज ना कल तो उनको रिड्यूस करना है। जब इतना खर्चा कर रही है तो मतलब जब सक्सेसफुल हो गए तो ज्यादा खर्चा करके उस टाइम पे मतलब नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे इनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस है 2021 में 63 करोड़ के आसपास, तो ये रिड्यूस हुआ, ये चीज आपको नोटिस करना है। साथ साथ में कंटिन्यूस कैपेक्स इन्वेस्टमेंट फॉर ओवर 1.6 बिलियन ओवर द लास्ट 5 ईयर टूवर्ड्स द एनहांसमेंट इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज। सो कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट कहो तो 1.6 बिलियन रुपीस के आसपास खर्चा कर चुकी है, ये चीज आपको नोटिस करना है। और साथ साथ में इनके पास जो टीम, जो साइंटिस्ट की बात करें, जो 2014 में सिर्फ 61 थे, अब ये टीम भी इंक्रीज हो गए, 362 था, अब 2021 में 340 के आसपास है। तो ये चीज नोटिस करना है कि कंपनी अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंक्रीज कर रहा है, तो इनका टीम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। यस, नंबर ऑफ टीम्स भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कंपनी फेक डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। साथ साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि और भी डेटा अवेलेबल है, तो यहाँ पे एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात करें, कंप्लीटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर 22 एपीआई टू बी यूज्ड फॉर द बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन यूएस एंड इमर्जिंग मार्केट ऑन द ट्रैक फॉर डीएमएफ फाइलिंग। तो यहाँ पे 22 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन में यूज करने वाले हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है, मतलब जो ओवरऑल जो वैल्यू चेन है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का, उसके अंदर में ये कॉस्ट का रिड्यूस कर सके, खुद की कंपनी का कॉस्ट का बजट कर सके, रॉ मटेरियल एक्सपेंस बचा सके, बाहर से इंपोर्ट करना कॉस्ट बचा सके। तो कंपनी खुद से बैकवर्ड इंटीग्रेशन में फोकस करके अभी के टाइम पे 22 जो एपीआईज है उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, और इन्होंने डीएमएफ फाइलिंग मतलब ड्रग मास्टर फाइल जो इन्होंने यूएसए में ऑलरेडी कर चुके हैं और इमर्जिंग मार्केट में। सो इनका एएनडी अप्रूवल देखें अगर हम यहाँ पे अराउंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइल 20 है, उसमें से 15 अप्रूव हो गए। एएनडी मतलब क्या होता है, एब्रिवेटेड न्यू ड्रग्स अप्रूवल, मतलब इन्होंने कितना ड्रग्स इस साल बनाया और कितना फाइल किया, उसमें से कितना अप्रूव हो गया जो मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इन्होंने 20 फाइल किया था, उसमें से 15 अप्रूव हो गया, और पाइपलाइन में ये कंपनी कह रही है आने वाले 3 से 4 साल में कंपनी इज प्लानिंग टू जो फाइल करने वाले कम से कम 45 के आसपास इनका पाइपलाइन में, मतलब एनडीए पाइपलाइन में चल रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सब चल रहा है। सो जैसे ही सोचो कंपनी का 45 3-4 साल में और ज्यादा अगर अप्रूव होता है तो कंपनी का रेवेन्यू ये सब भी इंक्रीज होगा, राइट। उसके बाद कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम चेक करें लास्ट 6-7 साल से कैसा है, 2014 से लेकर के 2021, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू देख सकते हो 2014 में 177 करोड़ के आसपास था, वही 2021 में 1085 करोड़ के आसपास आ चुका है, मतलब 29.6% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो हो रहा है लास्ट 7 ईयर से। साथ साथ में कंपनी का इबिट्टा भी काफी बेहतर देख सकते हो कि 36.9% के आसपास इबिट्टा मार्जिन, मतलब कंपनी जो कॉस्ट एस्केलेशन और रिस्क मिटिगेट करने के लिए जो आउटसोर्स चाइना से करती है जब रॉ मटेरियल का, तो ये कंपनी काफी मैनेज इफिशियंटली कर रही है, राइट। देख सकते हो काफी तेजी से ग्रोथ है, कंपनी का प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 38.3%, मतलब एक टाइम पे 26 करोड़ का प्रॉफिट था 2014 में, वही 2021 में 251 करोड़ के आसपास पहुंच गया। ये चीज आपको नोटिस करना, रोबस्ट मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन में आप एक कंसिस्टेंसी देख सकते हो कंपनी का, 15% था 2014 में, वही अभी 23% के आसपास है प्रॉफिट मार्जिन, इबिट्टा मार्जिन 32% के आसपास जो 22% था, साथ साथ में ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो 56% के आसपास पहुंच गया जो पहले 41% के आसपास था, मतलब कंपनी काफी मैनेज कर रही है और वो स्ट्रेटेजी इस नंबर में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखो एक टाइम पे 2014 में वी कैन कंसीडर यहाँ पे ऑलमोस्ट 53% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी था, और अभी के टाइम पे 24% रिटर्न ऑन इक्विटी है। बट ओवरऑल मैं कहूँ तो कंपनी का जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ वो कंटिन्यूअसली ग्रो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कंपनी का जो शेयर होल्डर फंड है वो इंक्रीज होता तो कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी नीचे जाता है। यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा देख करके मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी डेट फ्री है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहूं या बैंक बैलेंस कंपनी का 2014 में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड या जहां भी कंपनी इन्वेस्ट करती है सो दैट कंपनी को कल जाकर के यूज कर सके बुरे वक्त में, जैसे कि अभी इमरजेंसी है, तो 27 करोड़ के आसपास था 2014 में, वही 2021 में 470 करोड़ के आसपास आ गया, मतलब कंपनी के पास पैसे की कमी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा लाइन लिखा है, 2015 टॉप लाइन
इज नाउ 2021 बॉटम लाइन. मतलब क्या, जो कंपनी 2015 में, जो ये कंपनी एक तरह से कहो जो आपका जो प्रॉफिट कमा रही थी, सॉरी रेवेन्यू कमा रहा था, मतलब जो कंपनी का फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2015 में कंपनी का जो प्रॉफिट था कितना प्रॉफिट, सॉरी 2015 में जो कंपनी का टॉप लाइन था आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, टॉप लाइन 255 करोड़ के आसपास था. वही 2021 में ये कंपनी का एक तरह से क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया. मतलब 2015 में जो कंपनी टोटल टर्नओवर करती थी, आज वो कंपनी का प्रॉफिट है, राइट. ये कंपनी का मुझे काफी बेहतर लगा. साथ साथ में कैश एंड सरप्लस की बात करें, 1000 से 1500 करोड़ के इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स. तो इनका न्यू टारगेट है कि आने वाले 5 साल के अंदर में कंपनी कैश सरप्लस, मतलब कैश जमा करने वाली है जो भी ये करे, तो 1000 करोड़ से लेकर के 1500 करोड़ के आसपास नेक्स्ट 5 ईयर्स में करने वाले. मतलब अभी जो 470 करोड़ के आसपास है, 5 साल में इनका टारगेट है कि 1000 करोड़ के आसपास इनको पहुंचाना है, ये इसका नेक्स्ट टारगेट है, राइट. सो कैपिटल पॉइंट रिटर्न्स की बात करें, जब से 2014 से लेकर के अभी तक ये कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो 2112% के आसपास रिटर्न दिया है. एक टाइम पे 34 रुपीज का स्टॉक था. मैंने भी सुवेन लाइफ साइंस हो गया, मार्क्सन्स हो गया, ये सब स्टॉक मैंने अगर यही स्टॉक्स में अगर 10 साल 15 साल के लिए होल्ड करूं, चांसेस है अगर ये 927 पे ना पहुंचे, कम से कम 300 भी स्टॉक पहुंच गया तो चांसेस है मेरा पैसा बन जाएगा. इसके लिए मैं मार्क्सन्स फार्मा, सुवेन लाइफ साइंस या बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो मैं बिल्कुल बेचना नहीं चाहता हूं, बिकॉज आई हैव अ हाई एक्सपेक्टेशन ऑन द मैनेजमेंट, राइट. सो दिस इज नॉट माई रिकमेंडेशन, दिस इज अ डिस्क्लोजर जो ये स्टॉक्स मैंने बाय करके रखा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि छोटे ही स्टॉक्स कल जा करके बड़े स्टॉक्स बनते हैं. और आज तो आप देख सकते हैं स्टॉक 927 या 933 रुपीज के आसपास जा चुका है. सिंगल डे में 17% ऊपर गए आज के दिन. अब कंपनी क्यों ग्रो कर रही है, उनका इंजन ग्रोथ क्या है, मतलब आगे का इंजन क्या है जो इस कंपनी को खींच करके आगे लेकर के जा रहा है. सो पहला इनका जो है, पहला है कि कोर बिजनेस टू ग्रो एट अ हिस्टोरिकल स्पेस. जो इनका कोर बिजनेस है, जो ऑलरेडी इसका जेनरिक और इनका ब्रांडेड जेनरिक्स में, जहां पे लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा इनका बिजनेस आता है, नंबर वन इंडियन प्लेयर इन सेंट्रल अमेरिका, जो सेंट्रल अमेरिका की बात करें एक तरीके से, सो वहां पे कंपनी का एक तरह से अच्छा खासा दबदबा है. इंक्रीज लैटिन अमेरिका फुटप्रिंट टू कंट्रीज टू 12 कंट्रीज. एक टाइम पे 2 कंट्री था, आज ये 12 कंट्रीज के आसपास पहुंच चुके हैं 10 साल के अंदर में. हेल्थ केयर, ये एंट्री इनटू फार्मेसी सेल्स थ्रू हेल्थ केयर पोर्टल, हायर मार्जिन ऑफ टेक, ये सब अफ्रीका में भी है. तो राइट, ये सब हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 173 करोड़ के आसपास था कोर बिजनेस, आज 976 करोड़ के आसपास है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 87% कॉन्ट्रीब्यूट करता है. इसमें जो स्ट्रैटेजी है फिलहाल क्या कर रही है, एक्सपांशन में फोकस कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग फोकस ऑन लार्ज लैटिन अमेरिका सच एज चिले, कोलंबिया, एक्सपांशन मेक्सिको एंड ब्राजील में एक्सपांड करना चाहते हैं. Working on additional 150 formulation specifically targeting 3 expansion areas, hospital injectables, neurocytic products, branded marketing and anti-cancer products. So, यहाँ पे ये company focus कर रही है expansion के अंदर में products का, साथ साथ में geographies का. Pharmacy automation, यहाँ पे आप देख सकते हो कि supply chain ये सब है. Bottom of the pyramid, end-to-end business model. So, company अभी के time पे acquisition of distribution in Latin America region and end-to-end business model. बहुत सारी छोटी छोटी companies को इन्होंने Latin America में acquire किया, जिससे इनका जो distribution network है काफी बेहतर हो सके, ज्यादा ज्यादा sales कर सके. ये company का फिलहाल के time पे strategy है core business में. Second, इनका अगर हम बात करें with the US business to boost the overall growth. तो इनका मानना है जो US में ये entry कर रहे हैं, so वहां से company को काफी ज्यादा आने वाले वक्त में फायदा हो सकता है. So इन्होंने almost अगर हम बात करें invested 450 crore capex and opex in the for the 5 years since 2014. मतलब कम से कम 450 करोड़ के आसपास कंपनी इन्वेस्ट कर चुकी है यूएस मार्केट में एंट्री करने के लिए, राइट. यहाँ पे एक्सटेंडेड यूएस मार्केट 2017-18 जो हमने स्टार्टिंग में देखा, लॉन्च कैटलॉग इंजेक्ट करेंटली ओन बाय बैक्स्टर. तो ये एक तरह से मतलब इनका जो इंजेक्शनल जो इसके अंदर आता है प्रोडक्ट आता है, जो कि एक दूसरी कंपनी ओन करती है, उनके साथ इनका टाइप है. लॉन्च्ड 8 प्रोडक्ट्स इन टोटल यूएसए, पार्टनर विद सच एज ये सब कंपनीज के नाम है जिनके साथ इन्होंने पार्टनर है, बैक्स्टर, सेकेंड, शेलिया, ये मिथिली, ये सारी की सारी कंपनीज है जिनके साथ इन्होंने एक तरह से लॉन्च किया है प्रोडक्ट्स और वो बढ़ा रहे. साथ साथ में कह रहे हैं कंपनी साइन न्यू एग्रीमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील. रेवेन्यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस मार्केट इन 18 to 24 months. मतलब कंपनी कह रही है आने वाले 18 से 24 महीने में आपको ये सेगमेंट से भी, ये ज्योग्राफी से भी काफी तेजी से रेवेन्यू देखने को मिलेगा, राइट. ये चीज भी आपको कंपनी में नोटिस करना है.
उसके बाद यहाँ पे देखो मतलब ये इंजेक्टेबल प्लांट इंस्पेक्शन हिस्ट्री जो कंपनी का ऐप है, सो यहाँ पे देख सकते हो क्रिएटिंग द ब्रांड कैपलिन यूएस मार्केट, मतलब कैपलिन पूरा का पूरा यूएस में मार्केट में एक तरह से ग्रोथ करना चाहता है काफी तेजी से, इंजेक्टेबल्स में हो गया या ऑप्थेलमिक सेगमेंट में हो गया, उसके लिए ये देखना है। प्लानिंग टू हैव फ्रंट एंड प्रेजेंस बाय 2023 यूएस मार्केट टू लॉन्च ओन लेवल एंड एक्सपांड। सो अभी के टाइम पे कंपनी कह रही है जो अभी के टाइम पे जो 8 प्रोडक्ट लॉन्च किया जो दूसरे कंपनीज के थ्रू, हम चाहते हैं कि हमारा खुद का लेबल आए 2023 तक, मतलब 2023 में इनका खुद का लेबल मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नीश सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं, ये क्रॉनिक्स पे हो गया ये सब पे, राइट। स्ट्रैटेजिक पार्टनर इन्होंने फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, एक कंपनी काफी बड़ी कंपनी है जो ऑलमोस्ट 218 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया है कैपलिन स्टरलाइज में फॉर माइनॉरिटी स्टेक, मतलब एक तरह से सब्सिडरी कंपनी कैपलिन स्टरलाइज आपकी कैपलिन पॉइंट की, जिसके अंदर फिडेलिटी इन्वेस्ट ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, माइनॉरिटी स्टेक लिया है, उनको लगता है कंपनी ग्रो करेगा इसके लिए तो इन्वेस्ट कर रही है, राइट। सो ये चीज आपको नोटिस करना है, कंपनी ग्रोथ पे फोकस कर रही है, पार्टनरशिप पे फोकस कर रही है, कैपेसिटी एक्सपांशन पे फोकस कर रही है, 3x कैपेसिटी एक्सपांशन ऑन गोइंग एट अ कैपलिन स्टरलाइज प्लांट CP4। सो इनका जो सब्सिडरी कंपनी है वहां पे भी 3x कैपेसिटी एक्सपांशन करना चाहती है, और ये एक्सपेक्ट कर रही है यूएस बिजनेस ट्रैक एंड एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाई Q4 2022, मतलब 2022 क्वार्टर फोर की बात करें तभी तक ये पूरा एक्विजिशन और कैपेसिटी एक्सपांशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन सब कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इतना सारा डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक करो सो दैट ये मेरा नॉलेज आपको मिल रहा है, तो प्लीज सपोर्ट करो सो दैट ये चैनल ग्रो हो सके। सो जो भी ये यूएस मार्केट में देख रहे हैं अभी के टाइम पे, ये 670 मिलियन डॉलर के आसपास मार्केट एड्रेसेबल कर सकते हैं और अंडर अप्रूवल है, और आने वाले वक्त में ये बिलीव करते हैं ये मार्केट कम से कम $3 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा, मतलब कैपलिन पॉइंट के लिए $3 बिलियन के आसपास का मार्केट अवेलेबल है यूएसए में, एक तरह से अपॉर्चुनिटी कैपलिन को नियर फ्यूचर, मतलब आप 4-5 साल की कंपनी में बेट कर सकते हो, जिसने 400 में बाई किया वेल एंड गुड, डोंट सेल। अब बात करते हैं इनका बैकवर्ड इनेस्ट, जो इनका थर्ड स्ट्रैटेजी है, मतलब जिसके वजह से कंपनी ग्रो करिए या इंजिन कहो, जिसमें प्लांट टू पोर्टल हो गया, डायरेक्ट अप्रोच हो गया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस करें, मतलब कैपलिन मूव्स फर्दर टू वैल्यू चेन, इक्विजिशन ऑफ इट्स चैनल पार्टनर एट लैटिन अमेरिका, बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं, कंट्रोलिंग जिसके वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग पे कंट्रोल करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं डायरेक्टली, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। दूसरा इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जो API फॉर यूएसए बिजनेस के लिए फोकस कर रहे हैं, फॉर कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स हो गया, API फॉर कोर बिजनेस के लिए हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ओन API CMO टारगेटेड, इसके वजह से क्या होगा जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें इनका जो कॉस्ट है वो 10 से 15% नीचे चले जाएगा, राइट। सो इसके लिए कंपनी फोकस करिए सेटिंग अप, अभी और एक चीज सेटअप करिए CRO, जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और जो भी बिजनेस होता है, ये बायो इक्विवेलेंट हो गया या बायो बायो अवेलेबिलिटी समथिंग है जो स्टडीज है, जो कंजम्पशन स्केलिंग अप कमर्शियल एंड CRO। सो ये सब पे फोकस करिए, जहां पे चाइना यूएसए यूएई लैटिन अमेरिका, जहां पे कंपनी फोकस कर रही है कि यहाँ पे इंक्रीज करना है, राइट। सो वैल्यू चेन पे कंपनी काफी फोकस कर रही है, जहां से हर एक सेगमेंट जो भी इनका वैल्यू चेन के अंदर आता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, जहां से भी होता है वहां पे कंपनी अपना ग्रोथ करना चाहती है, राइट। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, आप रिसीवेबल डेज देख सकते हैं, एक टाइम पे चलो 0 था क्योंकि उस टाइम पे इतना कंपनी का बिजनेस नहीं था, 8 डेज था, अब वो ऑन एन एवरेज 95 डेज के आसपास पहुंच गया, मतलब कंसिस्टेंसी है। टोटल कैपेक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 2016 के बाद कंपनी का कैपेक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता गया है, मतलब कंपनी काफी ज्यादा खर्चा कर रही है, इन अकर्ड स्ट्रॉन्ग कैपेक्स इन रिसेंट 5 ईयर्स, ये देख सकते हो, राइट। फिक्स एसेट टर्नओवर, मतलब कंपनी अगर एसेट इतना ज्यादा इक्विजिशन कर रही है, कैपेसिटी बढ़ा रही है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3.49 के आसपास एसेट टर्नओवर रेशियो है, मतलब अपने एसेट का अच्छा खासा यूटिलाइज कर रही है। अगर ये 1 के नीचे होता, मतलब कंपनी सिर्फ कैपेक्स में खर्चा करी, इन्वेस्टमेंट करी, यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, सेल्स डाउन है, ये चीज आपको नोटिस करना है, राइट। कैपलिन इज नेट डेट फ्री कंपनी, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है, इसके लिए ये बेस्ट है, ये चीज आपको नोटिस करना है। उसके बाद कैपलिन पॉइंट, अगर लास्ट अगर हम देखें तो एक्सपांशन की कहां कहां बात करें, कैपलिन कंट्रीज कैपलिन प्लान टू एक्सपांड इट्स प्रेजेंट, तो ये रीजन में कंपनी एक्सपांड करना चाहती है, कंट्रीज कैपलिन लुकिंग फॉर पोटेंशियल इक्विजिशन एंड ग्रीनफील्ड अपॉर्चुनिटी, मतलब जहां पे खुद का नया प्लांट सेटअप करना चाहती है, इक्विजिशन करना चाहती है, ये थ्रू इंटरनल अक्रूवल, मतलब जो भी इनके पास कैश अवेलेबल है, राइट। सो यहाँ यहाँ पे लोकेशन आप यहाँ देख सकते हो, इंडिया में भी है, करने वाले हैं, राइट। सो कम से कम ऑलमोस्ट 250 से लेकर के 300 करोड़ के आसपास का कैपेक्स का इनका प्लान है आने वाले
वक्त में। आगे बढ़ने से पहले, इन केस अगर आपको मेरा स्टॉक स्टॉक एनालिसिस नहीं एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन करना हो तो प्लीज ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये बैच 15 अगस्त से चालू हो रहा है, जिसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा कैंडलस्टिक्स क्या होता है, कैसे उसको उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेंड लाइन क्या होता है, या MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड, या मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारा का सारा चीज कैसे आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो 3 मंथ्स, 4 मंथ्स या 10 दिन, 15 दिन, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी कैसे यूज कर सकते हो पैटर्न में, हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, राइजिंग वेज, रेक्टेंगल पैटर्न, या फिर हिडन स्ट्रैटेजी, हाइक एंड एशी, पुल बैक, प्राइस एक्शन, ये सारा का सारा मैंने मुझे डिटेल फंडामेंटल में काफी मैंने 2 साल मेहनत किया है और टेक्निकल में भी काफी ज्यादा मेहनत किया है। इसके लिए मुझे दोनों ही चीज अच्छे तरीके से आता है, राइट। जो फर्स्ट बैच के लिए मैंने ऑफर रखा है कि कम से कम मिनिमम मैं 100 स्टूडेंट ही ले रहा हूँ, ये चीज नोटिस करो, 100 स्टूडेंट्स के ऊपर अलाउड नहीं है, क्योंकि मैं फोकस करता क्वालिटी पे फोकस करता हूँ, राइट। तो 100 स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं ले रहा। सो 5 to 6 संडे रहेगा, टोटल 12 से 15 घंटे का लेक्चर है। हर संडे एक संडे होगा, तो एक संडे आप प्रैक्टिस कर सकते हो पूरा हफ्ता, उसके बाद नेक्स्ट संडे नया स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, फिर वो हफ्ते आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका फीस 2200 है सिर्फ फर्स्ट बैच के लिए, इसके बाद नेक्स्ट बैच से सीधा 3500 फीस हो जाएगा। हर कोई अफोर्ड कर सके, हर कोई स्टॉक मार्केट को ज्वाइन कर सके, इसके लिए मैंने फीस कम रखा है। यही कोर्स अगर बाहर ज्वाइन करोगे तो आपको 22,000 से लेकर के कम से कम 50-60,000 का सेम कंटेंट मिलेगा। आई वॉन्ट मोर पीपल टू ज्वाइन, इसके लिए मैंने फीस कम रखा, और कोई उद्देश्य नहीं। ऑलरेडी मेरा स्टॉक एनालिसिस जो कोर्स है ये काफी सक्सेसफुल कोर्स है मेरा, जो 3200 का है, मोर देन 300 स्टूडेंट्स के आसपास मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी मेरा 11th बैच चल भी रहा है, राइट। वो पूरा फंडामेंटल बेस्ड है। सो अब इस कंपनी के अंदर मैनेजमेंट क्या क्या बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे, फाइनेंशियल हाईलाइट और ये सब। तो कैपलिन का कैपेक्स का प्लान कर लेते हैं कि कैपेक्स के अंदर में कंपनी क्या अपडेट है अभी के टाइम पे, राइट। सो मैंने आपको बताया कि 250 से लेकर के 300 के आसपास कंपनी का कैपेक्स पोर्टफोलियो बैकवर्ड इंटीग्रेशन या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में खर्चा करने वाली है। तो इसके अंदर से ऑलमोस्ट 30 से 35 करोड़ के आसपास का खर्चा कैपेसिटी एक्सपांशन पे करने वाली है। डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप पढ़ लेना ये वीडियो स्टॉप करके कि क्या क्या है। उसके बाद ग्रीनफील्ड एक्विजिशन में कंपनी कम से कम 160 से लेकर के 165 करोड़ के आसपास खर्चा करने वाली, बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो आपका API में, जिससे वो US मार्केट को कैप्चर कर सके, वहां पे 70 to 100 करोड़ के आसपास खर्चा करने वाले हैं। तो ये चीज आप नोटिस कर सकते हो कि कंपनी आने वाले वक्त में काफी ग्रो करेगा। लैंड एक्विजिशन 18.67 करोड़, ये सब आप देख लेना। मतलब कंपनी के मैनेजमेंट फंड काफी अच्छा खासा यूटिलाइज कर रहे कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर फंड ऐसे ही पड़ा रहता तो कंपनी ग्रो नहीं करती, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट फंड को यूज करना बता रहे कि किस तरह से हम अपनी बिजनेस में री इन्वेस्ट करके बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, राइट। ये चीज भी आपको देखना है। उसके बाद की हाइलाइट्स में बात करते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट का। तो टॉप लाइन जो मैंने आपको बताया 2015-2021 का बन गया, साथ साथ में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 20% से जंप हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि 905 करोड़ था 2020 में, अब सीधा कितना है 1085 करोड़। सो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। साथ साथ में क्वार्टर फोर भी काफी ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 30% से जंप हुआ, जो कि पिछले साल FY20 में क्वार्टर फोर में 215 करोड़ का था रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इस टाइम पे 280 करोड़ के आसपास है। साथ साथ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो मैंने आपको बताया 470 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो एक टाइम पे 284 करोड़ के आसपास था 2020 में। सो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आप देख सकते हो 269 करोड़ का है, और कंपनी का पिछले साल कितना था 45 करोड़। सो एक चीज नोटिस करो, किसी भी कंपनी कैश फ्लो इज किंग, हमेशा नोटिस करो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है। सो डेफिनेटली दिस कंपनी हैज अ हायर पोटेंशियल टू गिव अ मोर रिटर्न कमिंग 5 to 8 years, राइट। ये चीज आप नोटिस करो, कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है। इन्वेंट्री की बात करें 2021 में 180 करोड़ के आसपास है, जो 179 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल 238 करोड़ के आसपास, मतलब अच्छा खासा जो भी इन्वेंट्री अच्छा खासा सेल भी हो रहा है, राइट। रिसीवेबल जो 95 डेज के आसपास है, और साथ साथ में कंपनी के पास ऑर्डर बुक इन हैंड प्रेजेंट कितना है पैरेंट कंपनी के पास, जो कैपलिन पॉइंट की अगर हम बात करें 22 मिलियन से लेकर के $23 मिलियन के आसपास के कंपनी के पास ऑर्डर बुक है हाथ में, जिसके वजह से कंपनी और ज्यादा कैश जनरेट करेगी और अच्छा नंबर रिपोर्ट करेगी। दिस इज द फंडामेंटल वे, राइट। मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन फंडामेंटल इज द मेन रीजन उसके वजह से स्टॉक ऊपर जा रहा है। टेक्निकल ब्रेकआउट तो कभी भी होता है, उसके बाद उसके अंदर सेलिंग चालू हो जाता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन करने के लिए यू नीड अ डिटेल फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट आता है इनका लैटिन अमेरिका बिजनेस हाइलाइट्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी के टाइम पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, सेल्स इंक्रीज हो रहा है लैटिन अमेरिका में, हमने देखा था 976 करोड़, कैश फ्लो ग्रो हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रहा है।
साथ साथ में इंस्टीट्यूशनल सेल्स एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट मार्जिनली हायर इन कमिंग क्वार्टर्स, मतलब इंस्टीट्यूशनल जो बिजनेस है, जो सेल्स होता है, जो भी ये प्रोवाइड करते हैं, वहां से कमिंग क्वार्टर्स में मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री में आपको और अच्छा नंबर देखने को मिल सकता है। कंपनी हैज रिसीव टेंडर ऑर्डर ऑफ $18 million इन टू मार्केट्स, मतलब दो मार्केट्स इनको ऑलमोस्ट टू मार्केट से ऑलमोस्ट $18 million के आसपास का टेंडर मिला है। राइट, इनका ब्रेकअप देखे तो कहां कहां से, अगर सेल्स का अगर देखे तो डिस्ट्रीब्यूटर 60% है, फार्मेसी रिटेल 20% है, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया, इंस्टीट्यूशन 20% है। कंपनी हैज कमेंस्ड एक्सपोर्ट टू मेक्सिको इन लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने मेक्सिको में एक्सपोर्ट करना चालू किया, मतलब बिजनेस ग्रो होने वाला, सप्लाई इंजेक्टेबल प्रोडक्ट साथ साथ में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द कंट्री, ये सब चीज कर रही है कंपनी। मंथली सेल्स थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्विंटेक्स, मतलब क्विंटेक्स एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे कि हमारे इंडिया में फार्म इजी और दूसरी कंपनी से 1 मिलीग्राम, उसी तरह दूसरी कंपनी में ये अपना जो प्रोडक्ट है वो वहां पे लिस्ट करके सेल कर रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हो 10x हेल्थ केयर पोर्टल जो ग्रो हुआ है 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 1000 यूनिक कस्टमर विद 440 SKU बींग सोल्ड करेंटली इन गॉटमेला, या सॉरी ये नाम मुझे प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आ रहा, इकाडोर हो गया, होंडुरस हो गया, निकारगुआ हो गया, ये सब कंट्रीज है जहां पे एक तरह से कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है लैटिन अमेरिका में। राइट, ये काफी डिफिकल्ट नेम है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस टू बी फ्रैंक। उसके बाद यूएस बिजनेस हाईलाइट की बात करें, सो इनका यूएस बिजनेस ऑलमोस्ट 31% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ डिस्पाइट ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन, ये चीज नोटिस करना। साथ साथ में 4 ANDA अप्रूवल सिंस 21, मतलब 2021 जब से जनवरी चालू हुआ तब से कंपनी का 4 ड्रग अप्रूवल हो चुका है, 15 इनका टोटल जो एनडी 15 के आसपास अप्रूव हुआ है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। राइट, एज ऑन डेट अगर हम बात करें, आउट ऑफ 15 अप्रूव्ड एनडी हैज बीन लॉन्च विद द 4 प्रोडक्ट्स रेडी फॉर लॉन्च फॉर द कमिंग वीक्स, मतलब इनमें जो भी 8 है, जो 15 एनडीए में से 15 में से 8 ऐसे जो एनडीए अप्रूव हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें से 4 प्रोडक्ट्स रेडी हो जाएगा मार्केट में आने के लिए, सेल करने के लिए, लोगों को कंजम्पशन करने के लिए कमिंग वीक्स में, और रिमेनिंग जो है 4 या 5 जो भी है वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होगा, मतलब 2-2.5 महीने के बाद से, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है काफी अच्छा खासा। एग्रीमेंट इन प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोडक्ट इन कनाडा ऑस्ट्रेलिया, मतलब इनका एग्रीमेंट हो चुका है रजिस्ट्रेशन कनाडा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी है प्रोडक्ट्स बेचने वाले, जो कि ऑलमोस्ट 18-20 months में यहाँ से भी आपको सेल्स देखने को मिलेगा। उसके बाद डिजाइन डिटेल इंजीनियरिंग फॉर फेस टू इंजेक्टेबल प्लांट, 2 more vial lines, ये इस कंपनी कह रही है कि हम और लाइन बिछाने वाले इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर वायल लाइन्स के लिए, 1 PFAS के लिए, 1 premix बैग्स के लिए, टोटल कैपेक्स यहाँ पे कम से कम 110 crore 2 phase में खर्चा करने वाले हैं पैरेंट कंपनी के द्वारा। एपीआई बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर एनडीए 7 कंप्लीटेड हो चुका है, 16 अंडर डेवलपमेंट है बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी। राइट, सो यहां से हमको कंपनी का बिजनेस हाइलाइट्स भी मिल गया, तो टोटल 30 के आसपास एनडीए 2023 तक इनका प्लान है कि फाइल करने वाले हैं। सो कमिंग टारगेट फ्रंट एंड 2023 लाइकली टू बी अप्रूव और अंडर रिव्यू। राइट, तो यहाँ पे हमने कंपनी का पूरा डिस्कस कर लिया कि व्हाई दिस कंपनी विल बिकम अ मल्टी बैगर। सो मेरे ख्याल से 10 साल के लिए अगेन इट्स अ गुड बेट, बट दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब इसका हम टेक्निकल वे में बात कर लेते हैं कि क्यों स्टॉक ऊपर जा रहा है। राइट, टेक्निकल भी बात कर लेते, बिकॉज आई एम बोथ रिसर्चर, टेक्निकल एंड फंडामेंटल बोथ। राइट, सो कैपलिन पॉइंट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी ऊपर गया, 652 उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर। सो यहाँ पे आपको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहूंगा। सो वीकली टाइम फ्रेम पे आप एक चीज नोटिस करोगे, इन्होंने इनका जो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, 2017 यहां से लेकर के अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पे इसका 750 के आसपास बहुत सारे ब्रोकर लोग ने टारगेट दे करके रखा था। इनका पहला जो ब्रेकआउट लेवल था यहां पे था, राइट, यहां पे ब्रेकआउट दिया 607, तो इसका जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करके ये स्टॉक एकदम ऊपर जाने लगा। राइट, यहाँ पे अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं, यहां से लेकर के यहाँ पे कितना ये ऊपर गया स्टॉक, यहां से 718। राइट, तो अभी के टाइम पे यही टारगेट इसको आप ऊपर ले जा सकते हो, मतलब यही चीज जो है इसको आपको ऊपर जा करके रखना है, तो आपको मालूम पड़ेगा इसका टारगेट कितना रहेगा। राइट, सो यहाँ पे आप कुछ ड्रॉ करके बार बार आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखो, बीच में स्टॉक काफी नीचे गिरा था और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, सर जी ये स्टॉक बाय करना है कि नहीं करना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल वे। राइट, सो यहाँ पे अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं आपको, यहाँ पे एज ऑफ नाउ, लेट मी डिलीट
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी के अंदर में एक तरह से ट्रायंगल फॉर्म हुआ था बीच में। डू यू सी दिस ट्रायंगल? यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको एक ट्रायंगल, वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, प्लीज नोट, वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। और ये स्टॉक अपने डिमांड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा था। डिमांड जोन, दिस इज योर डिमांड जोन, जहां से स्टीप इंक्लिनेशन देखे और जहां से आपको स्टॉक के अंदर तेजी दिखाई दे। सो डिमांड जोन पे जैसे स्टॉक ने टच किया, उसके बाद फिर से इसके अंदर बाइंग प्रेशर बना और स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जाने लगा, राइट? सो ये कंपनी का बिजनेस अच्छा, और बीच में स्टॉक 690 पे जाकर के ये नीचे आया था। अभी आज जाकर के उनका पैसा निकला होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ने हाई पे बाई करे। अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ 938 पे बाई करेंगे, एकदम जज्बाती होकर के बाई कर लेंगे और वहां पे पैसा इनका शायद अटक सकता है। 10 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हो, नहीं अटका। अगर 1-1.5 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हो, पक्का अटक रहा है, राइट? ये चीज आपको नोटिस करना है, क्योंकि ऑल टाइम हाई कंपनी ने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, राइट? सो ये था टेक्निकल और फंडामेंटल वे। टेक्निकल देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, साथ साथ में आप जानते हो कि मैकडी और आरएसआई यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा मैकडी वो भी एकदम बुलिश दिख रहा था कि काफी स्टेबलाइज हो चुका है, यहाँ से रिवर्स गियर मारने वाला था। साथ साथ में यहाँ पे आपका आरएसआई भी काफी नीचे था, ओवरसोल्ड जोन में था, राइट? तो ये चीज भी आपको नोटिस करना है। जब ये आरएसआई एकदम ओवरसोल्ड जोन में है, मैकडी काफी नीचे आ चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे, पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी बैठा करके स्टॉक के अंदर यहाँ अगर एंट्री करते थे 22-21 मार्च को, तो ये आपको कम से कम स्टॉक पहले तो टारगेट आप 585 का पकड़ते थे, वो ब्रेकआउट देता तो आप नेक्स्ट टारगेट इसका 724 का, और उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एग्जिट करना है कि नहीं, राइट? तो दिस इज व्हाट अ टेक्निकली एंड फंडामेंटली वे थ्रू विच यू कैन एनालाइज कंपनी। मैं फंडामेंटल का काफी ज्यादा सहारा लेता हूँ, उसके बाद टेक्निकली एंट्री कब करना है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म उसके हिसाब से मैं देखता हूँ। सो होप सो ये वीडियो काफी पसंद आ रहेगा आपको। आप मेरा ट्विटर अकाउंट फॉलो कर सकते हो कशफुर धुनिया, जहां पे मैं स्टॉक के ऊपर आइडियाज प्रोवाइड करते रहता हूँ। साथ साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो, आप मेरे डायरेक्टली पेज पे चले जाना, यहाँ पे मेरे चैनल पे डायरेक्टली जा करके वहां पे आपको टेलीग्राम पेज मिल जाएगा, जहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं अपडेट प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, विल कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।